Yeah. Listen to that funky guitar. Come on. Two words, just dance. दोस्तों जियो के आईयूसी रिचार्ज प्लान के बाद अब एयरटेल ने एक बहुत बड़ा जो है झटका दिया है। दोस्तों ये झटका उन यूजर्स के लिए है जो एयरटेल सिम यूज करते हैं और एयरटेल का 3G 4G इंटरनेट यूज करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए यदि आप एक एयरटेल सिम यूजर्स हैं। दोस्तों आपको मैं बताऊँगा कि एयरटेल ने कौन सी सेवा अपना बंद की है और ये इससे क्या नुकसान होने वाला है आप लोगों को। दोस्तों इससे पहले आप लोग यदि नए मेंबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों टेलीकॉम न्यूज हिंदी में जो भी मैं दूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग अपडेटेड रहें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एयरटेल जो है कोलकाता में और हरियाणा में अपना 3G सर्विस पूरी तरह से बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग एक 3G स्मार्टफोन में अभी तक एयरटेल आइडिया वोडाफोन यूज कर रहे थे तो दोस्तों अब जो है एयरटेल का 3G नेटवर्क आप में नहीं आएगा और आप एयरटेल का 3G पैक नहीं डलवा पाएंगे। यदि डलवाएंगे भी तो आपको जो है ये यूज नहीं आप कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों एयरटेल जो है अभी ऑल इंडिया में धीरे धीरे अपना जो है 3G सेवा बंद कर रही है तो इन दो राज्यों से जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरटेल जो है पूरी तरह से अब 4G नेटवर्क बनाना चाहता है बिल्कुल जियो की तरह दोस्तों, और एयरटेल का ये कहना है कि अभी वो 2G जो है वो जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यदि क्योंकि दोस्तों एयरटेल का 60% यूजर जो है 2G फीचर फोन में 2G सिम यूज करते हैं कॉलिंग वगैरह करने के लिए, दोस्तों ऐसे में ये सर्विस यदि दोस्तों एयरटेल बंद करती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे दोस्तों एयरटेल अभी 3G अपना बंद करके 4G पे पूरा फोकस किया है और 5G आने वाले समय में फोकस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो 5G को पे ध्यान देने के लिए दोस्तों एयरटेल ने अपना 3G सर्विस बंद की है और इधर का जो कॉस्ट बचत होगा और उसे जो है एयरटेल 4G में और 5G में कन्वर्ट करेगी। दोस्तों अभी आपको बता दें कि जितने भी 3G यूजर्स थे इन दो राज्यों में और ऑल ओवर इंडिया में सभी को धीरे धीरे मैसेज जा रहा है कि अपना 3G बंद करके अपना सिम को जो है 4G में अपग्रेड करवाए। तो दोस्तों एयरटेल जो है अपना सिम को अपग्रेड करवा रहे हैं 4G में और बोल रहे हैं कि 4G फीचर फोन आप लोग परचेज कर लीजिए। तो हरियाणा और कोलकाता में ये सर्विस बंद हो चुकी है। दोस्तों आपको ये न्यूज कैसा लगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।